पहला भारतीय जिसे साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान नोबेल प्राइज 1913 में मिला और जो मानवता को विश्व का सबसे बड़ा धर्म समझता था, जिसने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की। हम बात कर रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की। एक्सीलेंट एजुकेशन के लर्न फ्रॉम लीडर सीरीज के चौथे महानायक हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। बाकी के महानायकों की वीडियोस आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। हम गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कुछ कोट्स देखते हैं, फिर इनके जीवन दर्शन से बहुत कुछ सीखेंगे। आप ये पूरे वीडियो के अंत तक देखिए। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन द डाउन इज स्टिल डार्क। जो हमारा विश्वास होता है, जो हमारा अंदर का आत्मविश्वास होता है, वो हमें अंधेरे में भी प्रकाश की देखने की सलाहियत देता है। मतलब जब बोर में प्रकाश नहीं दिख रहा होता है, जब अंधेरा होता है, तो हमारे अंदर का विश्वास ही हमें बताता है ये अंधेरा छटेगा और उजाला आएगा। कितना बढ़िया कोट है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का हमारे आत्मबल के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर। इनका दूसरा कोट देखते हैं। यू कैन नॉट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट वाटर। मतलब कि हम किनारे पे खड़ा होके और जो हमारा पानी है उसको बार बार घूर के हम उस किनारे को पार नहीं कर सकते हैं। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, हमें पानी में उतरना पड़ेगा पानी को पार करने के लिए। मतलब हम सिर्फ कठिनाइयों को देख कर उसको पार नहीं पा सकते हैं, हमें उससे लड़ने के लिए उस कठिनाइयों के अंदर जाना पड़ेगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत ही बढ़िया कोट है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही प्रसिद्ध पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। हम इस पोएम का इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन देखते हैं और इससे समझते हैं कि गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। मतलब कि जब मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान में उठा हो, मतलब कि हम सम्मान में ऊंचे उठे हो और हमारे दिमाग में किसी भी तरह का कोई भय ना हो। वेयर द नॉलेज इज फ्री, मतलब कि जहां ज्ञान स्वतंत्र हो और ज्ञान पे किसी तरह का कोई कंट्रोल ना हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स। जहां संसार संकीर्ण घरेलू दीवारों के टुकड़ों में न तोड़ा गया हो, मतलब कि जो हम ये लाइनें खींच चुके हैं बॉर्डर की, उस तरह की लाइन न हो और ज्ञान आराम से फ्लो करे बिना बॉर्डर के। बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, हमने इसकी बात कर ली। वेयर वर्ड कम्स आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। जहां विचार सच्चाई की गहराई से उपजते हों और सच्चाई पे किसी तरह का कोई दबाव ना हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। जहां अथक प्रयास अपनी बाहें पूर्णता की ओर बढ़ाते हों। जहां विवेक की निर्मल धारा अंधविश्वासों के मरुस्थल में नकारात्मक रेत में न खो गई हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreamy desert stand of dead habit, हमने इसकी बात कर ली। Where the mind is led forward by the into ever winding thoughts and action into the heaven of freedom, my father let my country awake। मतलब जहां मन आपसे प्रेरित होकर निरंतर प्रगतिशील विचारों और कर्मठता की ओर बढ़ता हो, उस स्वतंत्रता की स्वर्ग में हे परमात्मा मेरे देश को जागृत करो। टैगोर की पोयम आजीवन अमर रहेगी। इसमें ऐसे विचार हैं जिनमें उन्होंने मन को मुक्त होने की बात कही है। जो सच्चाई हो वो हमारे गहरे थॉट से आ रहे हो और हमारे मन पे, हमारे ज्ञान पे किसी तरह का कोई दबाव ना हो। कितना अच्छा कोट है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। देखते हैं टैगोर का नेशनलिज्म पे क्या विचार था। उनकी एक प्रसिद्ध कोट है, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर। मतलब जो देशभक्ति है वो अध्यात्म की आश्रय नहीं हो सकती है। I will not buy glass for the price of diamond and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live। मतलब कि जो humanity है, जो मानवता है, उस पे देशभक्ति हावी नहीं हो सकता है। और गुरुदेव ने कहा है कि हम देशभक्ति को अगर बड़ा बना दे और मानवता को कुचल दे, ये वैसा ही है जैसा कि हम गिलास खरीदने के लिए हीरे का प्राइस पे कर रहे हैं। मानवता सर्वोपरि है उनके अनुसार ये नेशनलिज्म
के बारे में कोट है। उनका दूसरा कोट है, व्हेन लव फॉर आवर कंट्री गिव्स वे टू वर्शिप और बिकम्स अ सेक्रेड ऑब्लिगेशन देन डिजास्टर इज इनएविटेबल आउटकम। आई एम विलिंग टू सर्व माई कंट्री बट माई वर्शिप आई रिजर्व फॉर राइट्स विच इज द फार ग्रेटर देन कंट्री। To worship my country as a god is to bring curse upon it। मतलब कि जो हमारा पूजने का तरीका है कंट्री को वो वैसा नहीं होना चाहिए, वो एक सीक्रेट ऑब्लिगेशन नहीं बन जाना चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ बड़ा संकट जरूर आएगा। उनके कहने का मतलब है जो मानव का अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स है, वो कंट्री से बड़ा है। हम मानव के अधिकार का दमन देशभक्ति के नाम पे नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो कंट्री बहुत बड़े संकट में चला जाएगा और उसको हम रोक नहीं पाएंगे। उनका एक और कोट है, अचीव द यूनिटी ऑफ मैन बाय डिस्ट्रॉइंग द बॉन्डेज ऑफ नेशनलिज्म इज ऑर्डर टू अचीव द यूनिटी ऑफ मैन। मतलब कि अगर हमें मानव की एकता चाहिए तो हमें ये जो राष्ट्रवाद का और राष्ट्रभक्ति का जो बेड़िया है उसको तोड़ना पड़ेगा, उससे बाहर निकल के सारे विश्व को हमें एक साथ देखना पड़ेगा। हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशन पे क्या कहते हैं। एजुकेशन मीन्स इनेबलिंग द माइंड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ विच इमेंसिपेट्स अस फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डस्ट एंड गिव्स अस वेल्थ नॉट ऑफ थिंग्स बट ऑफ इनर लाइट, नॉट ऑफ पावर बट ऑफ लव। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलाइटमेंट, इट इज डिवाइन वेल्थ, इट हेल्प्स अस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ। मतलब एजुकेशन हमें सच्चाई खोजने के लिए प्रेरित करे, हमारे दिमाग को चैलेंज करे, हमारे सारे बेड़ियों को तोड़ दे, हमारे इनर सेल्फ को आइडेंटिफाई करने में हमारा मदद करे और हमें असली ज्ञान का से हमारा सरोकार करे, यही शिक्षा है। फिर कहते रविन्द्रनाथ टैगोर एजुकेशन के चार बेसिक प्रिंसिपल हैं, मतलब तब उसी पे एजुकेशन बेस्ड होना चाहिए, वो है नेचुरलिज्म, मतलब हमारे आसपास से चीजें हम क्या सीखते हैं। दूसरा ह्यूमनिज्म, हम मानवता से क्या सीखते हैं। इंटरनेशनलिज्म, मतलब हम विश्ववाद से क्या सीखते हैं। आइडियलिज्म, मतलब जो आदर्श चीजें हैं उससे हम क्या सीखते हैं। शांति निकेतन और विश्व भारती इसी एजुकेशन पे बेस्ड है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू ब्रिंग अबाउट परफेक्शन ऑफ मैन बाय डिस्पेलिंग द इग्नोरेंस एंड अनसेयरिंग इन द लाइट ऑफ नॉलेज। इट शुड इनेबल अस टू लीड अ कंप्लीट लाइफ, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल। मतलब एजुकेशन हमें पूर्ण बनाए, हमें हमारे सारे इग्नोरेंस को खत्म कर दे और हमें आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जीवन जीने के योग्य बनाए, यही शिक्षा है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और किन महापुरुषों के बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद एंड हैप्पी लर्निंग।